बैक टू आवर चैनल, दिस इज प्रियंका, दिस इज विजय। आज हम लोग रिएक्शन लेके आए हैं मुंबई मेरी जान के ऑफिशियल ट्रेलर पे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विजय चैनल नेम, तो चलिए देखते हैं इस ट्रेलर को कैसा होने वाला है। कायनात का निजाम है बुराई भी अच्छाई से पैदा होती है। शैतान को भी ऊपर वाले ने पैदा किया था, मैं तो सिर्फ एक बाप था। क्या नाम है? दारा कादरी। दारा शिक्को की तरह शायर बनना बेटा, बादशाह बनना। मुंबई शहर सरकार के हाथ से निकल के हाजी और पठान के हाथ में जा रहा है। अन्ना का नेटवर्क, पठान का डर और हाजी के दिमाग ने मुंबई पुलिस के नाक में दम करके रख दिया। ₹54 की तनख्वाह में सबको अंग्रेजी स्कूल में कैसे पढ़ाऊंगा? ईमानदारी का करोगे क्या इस्माइल? नींद अच्छी आती है। शहर साफ करते करते मेरा घर गंदा है। पुलिस वाले के घर में चोर पैदा हुआ है। मैं ईमानदार था पर दारा भूखा था। ए, मामू जान का पैसा है ये सादिक, जिस जिस नोट पे इसके मामू का फोटो दे दे। आज से हफ्ता हम लोग वसूलेगा। बड़ा हो गया दारा, लड़का लड़का पठानों की शलवार में चिंगारी कर गया। गुंडा है तेरा बेटा, हफ्ता वसूलता है, मारामारी करता है। तुम्हारे अब्बू का बेइज्जती करते तो तुम क्या करते? मैं उसे नंगा करके सड़क पे दौड़ाता। तो मैं सिर्फ अखाड़ा जलाया है। मुंबई अंडरवर्ल्ड का नया बादशाह तारा इस्माइल। आज तुम बोल रहे, इंशाल्लाह एक दिन पूरा मुंबई बोले। अजय को बोल दारा बहुत मार खाया, अब तारा मारेगा। तू साला गली का लुक्का, हमारी बराबरी करेगा। अरुण और रईस दादा को उड़ा दूं, यही सही वक्त है। मैं अपने बंबई का 3/4 हिस्सा दे रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो पूरा बंबई पूरा रुपया छीन सकता हूँ। ठीक था, हर फैसले की एक कीमत होती है, वो कीमत इसी जिंदगी में चुकानी पड़ती है। आग लगाई अंदर जहन्नुम की आग है, हम सबको जला के राख कर देंगी। वाओ ग्रेट, मतलब जो 1960 के टाइम पर मुंबई था वो ही मतलब पूरी तरीके से दिखाया गया है। जो गैंग वॉर, जो खून खराबा, जो वहाँ पे अंडरवर्ल्ड का कब्जा था, वो पूरी तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। और इवन बहुत ज्यादा डिटेल्स पे काम किया गया है, जितना हमें ट्रेलर से समझ में आया बहुत ज्यादा, कि वो जो उन्होंने पैंट वगैरह भी पहनी हुई थी ना, वो बिल्कुल उनका ड्रेसअप उसी तरीके का था। टायर है जो उनकी क्लोथिंग है, पूरी 1960 के दौर में आपको ले जाएगी। ट्रेलर में साफ दिखाया गया है, ऐसा लगेगा आपको ना ये सीरीज देख के कि 1960 के मुंबई में आप पहुंच चुके हो। स्पेशली एक एक्टर कास्ट की बात करते हो, एक्टर काफी स्ट्रॉन्ग कास्ट है इसमें। के मैनन सर है, इनकी एक्टिंग के ऑलरेडी लोहा बना हुआ है, वो काफी अच्छे एक्टर हैं ये। और उनके बेटे जो बेटे का रोल जो अदा किया है अविनाश तिवारी ने, जो उनमें मेन है, तो वो बेसिकली टोटली अपोजिट जाते हैं अपने फादर से। वो पुलिस में होते हैं, मतलब वो उनको दिखाया गया कि वो बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं और ये बचपन से ही मतलब राइवलरी के ऊपर है। पूरी की पूरी वेब सीरीज जो है वो राइवलरी चलती है। हां वो गैंग इलाके के डॉन के मतलब जो भी है उनके खिलाफ जाते हैं, इनके खिलाफ जाते हैं, वो सारी चीजें गैंग वॉर टाइप है। पूरा गैंग वॉर टाइप वाले होने वाला है और काफी ज्यादा सस्पेंस रहेगा इसमें और काफी ज्यादा बिट्रेयल भी रहेगा। इमोशन भी है, फैमिली भी है इसमें, मतलब बहुत सारी चीजें होने वाली है और बहुत बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है ये। हमें बहुत अच्छी लगी। 14 सितंबर को ही रिलीज हो रही है, तो चलिए देखेंगे, दो दिन बाद ही है बस, देखेंगे सीरीज को और बताएंगे फिर हमें कैसी लगी। बाकी ट्रेलर बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।